Assalamu alaikum class. Today we will learn about the external structure and locomotion in birds. Here is the some contents of this lecture. In this lecture we will learn about the birds' feeder structures, feeder types, feeder growth, maintenance of feeders and colors pattern in feeders and adaptation in feeder skeleton. Firstly, the feeders, birds feeders flight and adaptation. Here is the content. First content, birds feeder flight and adaptation. Feeders, birds have unique to birds and their dinosaur ancestors, feeder have evolved into impressive biological structures that come in suppressing diversity of colors and forms. Take the converging of feeders on a bird's is called a plumage. The function of feeders are following. Number first is flight. Number second is prevent heat loss. Number third is role in courtship and incubation and waterproofing. बर्ड्स जो होते हैं इनके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है कलर्स में, ठीक है, एंड उसके जो फीदर्स होते हैं उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है. लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट उसका बिहेवियर पढ़ रहे हैं, उसका कलर्स पढ़ रहे हैं, बर्ड्स के जो कलर्स होते हैं. इसके अलावा जो बर्ड्स की जो फीदर्स की कवरिंग होती है, बर्ड्स फीदर जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं प्लूमेज. और इसकी कुछ फंक्शंस हैं इस कवरिंग के और फीदर्स के. जो प्लूमेज है या बर्ड्स होते हैं वो फंक्शन होते हैं कि बर्ड्स के जो फीदर्स उनके डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं. फर्स्ट फंक्शन जो होता है फ्लाइट होता है, ठीक है, मतलब जो बर्ड्स होते हैं जब वो फ्लाइट कर रहे होते हैं उनके अंदर भी फीदर उनके दौरान भी फीदर्स का अहम किरदार अदा होता है. इसके अलावा ये फीदर्स होते हैं वो हीट लॉस से बचाते हैं. थर्ड जो होता है वो कर्शिप बिहेवियर में भी अहम किरदार अदा करते हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कर्शिप बिहेवियर क्या होता है. कर्शी बिहेवियर एक ऐसा डिस्प्ले होता है बिहेवियर का जिसके अंदर एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि उसमें यूजली हम बोलते हैं मेल जो होता है वो अटेम्प्ट करता है ताकि वो फीमेल को अटेम्प्ट कर सके. वो ऐसी अटेम्प्ट देगा, फीमेल मेल जो होगा वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, और ये मेल के ऊपर चॉइस होती है वो फीमेल को किस फीमेल को होता है वो चूज़ करे, ठीक है. ये सेक्सुअल सिलेक्शन होती है, सेक्सुअल सिलेक्शन जो होती है उसे हम बोलते हैं कर्शिप बिहेवियर, मतलब मेटिंग बिहेवियर जो होता है जिसमें मेल और फीमेल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं कर्शिप बिहेवियर. देन है इनक्यूबेशन. देन वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है इनक्यूबेशन. इनक्यूबेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे एग्स या कुछ वट एवर, किसी भी चीज़ को हम राइट टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, एक राइट कंडीशंस के अंदर रखते हैं, इसे हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, ठीक है. एक खास टेम्परेचर के ऊपर इनको बर्ड्स के जो होते हैं अपने एग्स को इनक्यूबेशन जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं. देन वाटरप्रूफिंग है, ठीक है, बर्ड्स होते हैं जो फीडर्स हैं वो फ्लाइट में हेल्प कर अहम किरदार अदा करते हैं, जो हीट लॉस होती है बॉडी हीट लॉस से बचाते हैं, कर्शी बिहेवियर में अहम किरदार अदा करते हैं, इंक्यूबेशन में एंड वाटर प्रूफिंग में बहुत किरदार अहम किरदार अदा करते हैं. देन हियर इज सम कंटेंट ऑफ फीडर स्ट्रक्चर्स. आपको जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में शो हो रहा है फीदर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने आप में है. जो फीदर्स होते हैं इनके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है और तमाम जो फीदर्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन बीटा कैरेटीन से, ठीक है, प्रोटीन्स बीटा कैरेटीन से बने होंगे और इनके अंदर सेम बेसिक पार्ट्स है, ठीक है, वो इस तरह नहीं, इनकी अरेंजमेंट बेसिक बहुत तरतीब से हुई होती है. इनके मोस्ट कम्प्लेक्स जो फीदर होता है उसे हम बोलते हैं कैलेमस. मोस्ट कम्प्लेक्स फीदर है बर्ड्स के अंदर उसे हम बोलते हैं कैलेमस. कैलेमस जो होता है वो सेंट्रल रिजेस से एक्सटेंड हुआ होता है और जहाँ पर ब्रांचेस मिस जिसमें बार्ब्स हैं, ठीक है, देन फिर बार्बल्स हैं जो कि स्मॉल हुक के साथ जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, इंटरलॉक भी होती हैं. फिर नियर बार्बल्स है जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, ये फीदर है, ठीक है. फीडर्स जो यहाँ पर आपको ये जो वाइट बाहर की तरफ को नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये बार्बल्स हैं.
ये बार ब्लूज है, और ये आपको ये जो इनवर्ट है, ये जो मिड, जैसे आपने एक मिड रिब होती है अपने प्लांट बॉडी देखा, उसका जो पत्ता होता है ठीक है, एक पत्ते की तरह होती है, जो पत्ता के जो मिड वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मिड रिब। इस तरह इसका जो यहाँ पर अगर हम फीदर्स की बात करें तो फीदर्स में जो ये वाला स्टेम है, जैसे हम प्लांट बॉडी में स्टेम बोलते हैं ठीक है, उसमें उसको हम बोल रहे हैं रेजिस, और जो प्लांट बॉडी में हम पत्ते को जो मिड रिब बोलते हैं मतलब उसे हम बोल रहे हैं बाब्स ठीक है, और जो साइडों की तरफ जाता है उसे बोलते हैं बार्बलूज। अब ये बार्बलूज है, और जो मिड वाला लाइन है इसे बोलते हैं हम बार, और ये वाला जो होता है पार्ट इसे हम बोलते हैं रेचिस। और ये देखिए आप इसमें चेक कर सकते हैं इंटरलॉकिंग, ये डिटेल आपको दिखाया गया। अब डाइवर्सिटी जो थी फीदर्स की वो उनके एवोल्यूशन से ही हुई है, जिसमें स्मॉल मॉडिफिकेशन हुई थी उनके बेसिक ब्रांचेस के अंदर ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आई है इनके अंदर, ऐसे आपको इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तीन चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बार्ब्स कौन से हैं, जो मिड वाला लाइन है ये बार्ब्स हैं, जो साइड्स की तरफ है ये आपको बार्ब ब्लूज हैं, देन ये जो मिड वाला पार्ट है लाइक स्टेम ये से हम बोलते हैं रेचिस। अब इसी डायग्राम को उन्होंने जूम करके यहाँ पर दिखा दिया, ये आपका एक आपको फीदर का आपको स्केच दिखा दिया गया, ये फीदर है जो ब्लैक वाला है, आपको ये दिखा दिया है इसमें रेचिस है। अब ये इसके अंदर जो है आपको ये जो बाब्स एंड बाब्लूस भी नज़र आ रहे हैं। देन फीदर्स टाइप्स हैं, फीदर्स कितनी किस्म की होती हैं, फीदर जो होता है उसके थ्री ब्रॉड कैटेगरीज हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की बेस पे, उनकी लोकेशन की बेस पे, बॉडी भी कहाँ पे वो लोकेट हैं इस बेस पे उनके फीडर्स को हम थ्री टाइप्स में कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसे हम बोलते हैं काउंटर फीडर्स ठीक है। अब काउंटर फीडर जो होता है ये इसी कवरिंग इस बॉडी जो बर्ड्स बॉडी इनकी जो कवरिंग होती है ये स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन शेप होती है, स्ट्रीम लाइन शेप जैसे कि बिल्कुल स्मूथ जो स्मूथ शेप होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। अब जो अरेंज हुए होते हैं ये ओवरलैपिंग इनके अंदर पैटर्न होता है ठीक है, जो वाटरप्रूफ टिप्स है वो एक्सपोज हुए होते हैं डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स से, इनकी जो बेस होती है वो फ्लफी होती है, फ्लफी जैसे कभी यहाँ पे नजर आ रही है ये डायग्राम में नजर आ रही है फ्लफी है ठीक है, इनकी बेसिस होती हैं वो फ्लफी होती हैं। इसके अंदर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो है ये कैलामस है जो सबसे स्टार्टिंग जहाँ पे जो उनकी बॉडी से अटैचमेंट हुई होती है फीदर्स की, जहाँ से फीदर बॉडी के साथ अटैचमेंट देता है उसे बोलते हैं कैलामस। देन उसके बाद आपको ये जैसे बाल में नेक्स्ट बोला था ये जो मिड रिब की तरह मतलब जो स्टेम की तरह होता है प्लांट बॉडी के अंदर उससे हम उससे ये जो स्टेम की तरह तो वो यहाँ पे नहीं है ठीक है। अब स्टेम की तरह जो यहाँ पर है ये आपको दिखा दिया रेचिस ठीक है, जो स्टेम की तरह। देन आपको यहाँ पर जो होता है ये आपको बाप सिखा दिए, इसके अंदर जो होते हैं बार्बलूज इसके अंदर नहीं है, जैसे कि आप लास्ट प्रीवियस में देख सकते हैं ये बार्बलूज था इसके अंदर, और ये वाली मिड वाले जो है ये बाप्स हैं। देन इसमें आपको ये रेचिस नजर आ रही हैं, बाप्स नजर आ रही हैं, और बार्बलूज इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहे। देन डाउन फीडर्स है, काउंटर फीडर्स है। डाउन फीडर सेकेंड टाइप जो है वो डाउन फीडर है जो सेमी फ्लूम्स हैं, इनके अंदर लूज ब्रांचेस होती हैं, इनके अंदर बहुत कम ये सेंट्रल रेचिस होती हैं। आपको डायग्राम में देख सकते हैं इनके अंदर जो होता है ये कैलामस है, जैसे कि आप लास्ट प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड में देख चुके हैं ये कैलामस है। देन इसके अंदर भी कैलामस है, और इसके अंदर ये बाब्स हैं, ये इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं ये बाब्स, लेकिन इसके अंदर भी जो है बाब्लूज है वो इसके अंदर भी मौजूद है नहीं है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप ये देख सकते हैं आपने इसमें ये बाब्लूज देखा था, इसके अंदर बाब्लूज हैं, बट इनके अंदर काउंटर फिगर्स के अंदर जब देखें काउंटर फिगर्स के अंदर आप देखें तो इसके अंदर बाब्स हैं, रेचिस हैं, कैलामस हैं, और इसमें समय देखें इसमें कैलामस है, बाब्स हैं, लेकिन इसके अंदर रेचिस नहीं है। अगर हम फ्लूम के अंदर देखें तो आप इसमें देखते हैं इसके अंदर जो शॉर्ट फीडर्स होंगे बिल्कुल ही शॉर्ट फीडर्स, इसके अंदर बहुत ही कम मकदार के अंदर बहुत ही कम तादाद के अंदर बाब्स होते हैं, बहुत कम तादाद में बाब्स होंगे ठीक है। और फ्लूम्स फिलो फ्लूम्स जो होता है इनका फंक्शन होता है मैमल्स लाइक ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर रेचिस देख सकते हैं, लॉन्ग रेचिस है, कैलामस है, बहुत ही कम जो होता है वो बाब्स इसके अंदर मौजूद है। ये थ्री कैटेगरीज थी, काउंटर फीडर्स, डाउन फीडर्स एंड फिलो फ्लूम। देन फीडर्स ग्रोथ है, हाउ टू फीडर्स ग्रोथ डिवेल्प, किस तरह फीडर जो होते हैं वो डिवेल्प होते हैं, आपको यहाँ स्टेजेस दिए गए फर्स्ट से लेकर सिक्स स्टेजेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्टली फीडर जो होते हैं इनके अंदर डेड स्ट्रक्चर, फीडर का जो डेड स्ट्रक्चर है जो कि रिपेयर नहीं हो सकता खुद ब खुद जब डैमेज हो जाए, जैसे कोई बर्ड्स डैमेज हो कि बर्ड्स के फीडर्स हैं उनको जब डैमेज हो जाए तो वो खुद ब खुद रिपेयर नहीं होते, क्योंकि जैसे कि हेल्दी और फंक्शनल जो कोट इनके अंदर होता है वो क्रिटिकल होता है, उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है, इसलिए इनके अंदर जो होता है वो तमाम बर्ड्स के अंदर साल के अंदर इनके जो ओल्ड फीडर्स होते हैं वो दोबारा रीग्रो होते हैं, मतलब जो ओल्डर होते हैं वो रिमूव हो गिर जाते हैं वहाँ से ठीक है, वो शेड आउट हो जाते हैं, शेड आउट होने के बाद दोबारा नई इनकी ग्रोथ होना शुरू होती है। जस्ट लाइक एक्डाइसिस, लाइक मोल्टिंग,
लाइक स्नेक्स, जैसे कि स्नेक्स के अंदर आपने देखा होगा कि स्नेक्स के अंदर मोल्टिंग भी होती है, ठीक है, एग्डाइसिस भी होती है, जो उसकी जो बैरूनी स्किन होती है, लेयर होती है, जब वो साल के अंदर उसको वो अपनी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको रिमूव कर देता है, एग्डाइसिस मतलब जो अपनी जो स्किन होती है उसको उतार देता है। इसी तरह इसमें जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में भी सेम ऐसे होता है, शेडिंग या शेडिंग होती है, रिप्लेसमेंट होती है फीदर्स की, ओल्डर फीदर्स की न्यू से क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है। Here is the first stage, second stage, then third stage, fourth stage and fifth and sixth stage. आपको आज ऐसा मैं ये ग्रोथ प्रोसेस को दिखाया गया फर्स्ट से लेकर सिक्स तक। In the first step, each new feeders grow from a small outgrowth of skin called the papilla. आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज जो है, ये वाली फर्स्ट स्टेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। फर्स्ट स्टेज में क्या बताया गया कि जो हर फीदर, नया फीदर जो होगा वो ग्रो होगा, एक स्मॉल आउटग्रोथ होगी, जैसे कोई इसमें स्मॉल आउटग्रोथ नजर आ रही है, बहुत ही छोटी सी आउटग्रोथ है, स्मॉल आउटग्रोथ है, इसमें बोलते हैं पैपिला। देन जो फीदर्स होते हैं वे मैच्योर हो जाते हैं, उनके टिप्स जो होती है वो पुश्ड आउट होते हैं पैपिला से, जैसे कि आप ये देखें पैपिला से पुश्ड आउट बाहर की तरफ हो रही है। तो सेकेंड स्टेप क्या होते हैं, जो उनके फीदर्स ऐसे ऐसे मैच्योर हो रही है, जो टिप्स होती है वो पुश्ड आउट होती है, मतलब पैपिला से निकलती है। इसके अलावा इसमें फीदर्स के अंदर नए पार्ट्स बनने शुरू होते हैं। अब ये देखें थर्ड स्टेप जो होगा इसमें नए पार्ट्स बनेंगे। अब जो थर्ड स्टेप है इसमें जो फीदर्स के जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है, फीदर्स में पहले पड़ चुके फीदर्स जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन के बना होता है। अब जो प्रोटीन है स्किन के अंदर जो स्ट्रक्चर है फीदर्स का वो प्रोटीन से बना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्मॉल आउट ग्रोथ बनना स्टार्ट हो गई है थर्ड के अंदर। अब थर्ड में इसके अंदर एक वन बार्बलूस होगा जो कि बाब्स एंड बार्ब फ्यूज होगा रेचिस के अंदर, ठीक है। वन बार्बलूस है जो कि फ्यूज होगा बाब्स के अंदर, बाब्स होगा वो रेचिस के अंदर डेवलप होना, फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे फीदर्स फोर्थ स्टेज के अंदर आप इसमें देख सकते हैं, अभी देखें ग्रोथ हो रही है फोर्थ स्टेज के अंदर। बर्ड्स के जो जैसे जैसे फीदर्स ग्रो होंगे इनके अंदर कर्ल ट्यूबुलर शेप बनना शुरू हो जाएगी और पैपिला जो होगा वो उसके इर्द गिर्द बनना मतलब स्टार्ट हो जाएगी और वो ग्रोथ के जो एरिया ग्रोथ एरिया उसको आगे की तरफ फर्दर पुश आउट करना स्टार्ट कर देगा। देन आपकी प्रोटेक्टिंग लेयर है पूरी शीत बनी हुई, ये शीत है, इसके अंदर शीट बनी होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव शीट में इनके अंदर होती है फीदर्स के अंदर जो कि इनकी सिलेंड्रिकल शेप को मेंटेन रखती है। ऐसे आपको यहाँ पर इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये शीट है जो कि बर्ड्स की जो शेप है इसको मेंटेन करके रखती है। लेकिन लास्ट स्टेज के अंदर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये शीट जो होती है वो खत्म हो जाती है और मुकम्मल जो बर्ड फीदर है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें जो है वो शीट का प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि बर्ड्स की जो फीदर है उनको क्या करता है, कवर महफूज करता है, मेंटेन रखता है, शेप को मेंटेन रखता है। लेकिन आहिस्ता जब वो डेवलप मुकम्मल मैच्योर होता है तो इसके जो शीट है ये खत्म हो जाएगी। देन मेंटेनेंस फंक्शन है फीदर्स का, फीदर्स के जो मेंटेनेंस फंक्शन है प्रीनिंग, ठीक है। बर्ड्स आपने अक्सर देखे होते हैं बर्ड्स अपने जो पर होते हैं इन परों के अंदर चूंछ मारते हैं, ठीक है, वो प्रीनिंग प्रोसेस कहलाता है। अब प्रीनिंग जो होता है इनके फीदर्स को स्मूथ रखता है, क्लीन रखता है और अपनी ही जगह के अंदर स्मूथ क्लीन रखेगा। अब वो जब अपनी चूंछ मारते हैं इसका काम क्या होता है, अपने फीदर्स को स्मूथ रख सके और क्लीन कर सके, क्लीनिंग के लिए भी काम करते हैं, स्मूथनेस के लिए भी काम करते हैं। और थ्रू आउट द ईयर बर्ड्स जो होते हैं अपना मेंटेन करते हैं, अपना बर्ड्स की जो केयर करते हैं प्रीनिंग के थ्रू, मतलब अपने जो बर्ड्स फीदर है उसकी हिफाजत करेंगे, केयर करेंगे प्रीनिंग करके। देन इनके अंदर होगी अंटिंग, ठीक है। अंटिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि मोर कॉमन होता है सॉन्ग बर्ड्स के अंदर, अपने सॉन्ग बर्ड्स देखा जो कि मोर्स लेक्स के अंदर के पास होता है। अब सॉन्ग बर्ड्स के अंदर अंटिंग जो होता है वो बहुत कॉमन प्रोसेस है। इसमें कहते हैं जो बर्ड होता है वो पिकअप करता है, ठीक है, आंट को पिकअप करेगा अपनी बीक के अंदर, फिर उसको रब करेगा अपनी फीदर्स के ऊपर और फिर जो आंट जो करेगा वो जो आंट उसने इसने पिकअप किया होता है वो सिक्रेट करता है, फॉर्मिक एसिड को सिक्रेट करेगा। वही फॉर्मिक एसिड क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है फीदर्स माइट्स के लिए। देन हियर इज सम कलर पैटर्न्स इन फीदर्स, फर्स्टली पिगमेंटेशन, कैरोटीनॉइड, मेलानिन एंड फॉर्प्रिंस। फर्स्ट जो है पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन आर कलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द कलरेशन क्रिएटेड बाय पिगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फीदर्स। पिगमेंट कलरेशन इन बर्ड्स came from three different categories, carotenoid, melanin and porphyrins. अब सबसे पहले जो pigment है color substances हैं जो कि plant में भी पाया जाता है और animals में भी पाया जाता है। अब ये coloration जो है ये pigment के through पैदा होती है और bird के जो
पिगबर्ड के जो पिगमेंट्स कलरेशन है वो आती है थ्री डिफरेंट ग्रुप से. फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसे हम बोलते हैं कैराटिनॉइड, एंड सेकेंड जो होता है वो मेलानिन होता है, एंड थर्ड जो होता है वो फॉरफ्रिंस होता है. फर्स्ट जो है वो कैराटिनॉइड जो होता है ये ब्राइट येलो कलर देता है, मतलब जो गोल्डन फिंचेस है या येलो बार्बलूज है बार्बलर्स है इनके अंदर जो येलो कलर होता है वो कैराटिनॉइड प्रोवाइड करता है. देन मेलानिन है ये एक डिफरेंट कलर की कलर रेंजेस हैं जो कि डार्केस्ट ब्लैक टू रेडिश ब्राउन होते हैं, ठीक है. और ये डार्किश और ये ब्राउनिश जो होता है ये ऑल के अंदर, ऑल के जो फीचर्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है. फॉरफ्रिंस जो है ये रेंजेस ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर पिंक है, ब्राउन्स है, रेड है, ये ग्रीन डिफरेंट कलर के रेंजेस हैं जो कलर प्रोड्यूस करेगा फॉरफ्रिंस. अब फॉरफ्रिंस जो होता है ये सम कुछ और कुछ ऐसे एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर पाया जाता है जैसे कि ऑल्स है, पिजन है, ठीक है, इनके अंदर ये क्या होगा फॉरफ्रिंस पाया जाता है. हियर सम स्ट्रक्चरल कलर्स. अगर हम इसकी डाइवर्सिटी में कुछ और मजीद एडअप करें तो जो एवियन कलर्स हैं ये इनके अंदर जो कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स जो फीचर्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो उनसे पैदा होता है. अब अगर हम पिगमेंट जो होते हैं पिगमेंट के अलावा बात करें, पिगमेंट के अलावा बात करते हैं तो जो कलर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एज ए लाइट, ठीक है. जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है प्रोटीन्स की, मतलब जो फीडर्स के अंदर प्रोटीन होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके फीडर जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं. जो प्रोटीन है इनके फीडर्स के अंदर वो लाइट जो भी आएगी इनकमिंग लाइट होगी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा. जैसे कि जो बार ब्लू फीडर्स हैं, ठीक है, ये इनके अंदर ब्लू पिगमेंटेशन नहीं होती, ब्लू पिगमेंट नहीं होते. अब जो छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं इनके अंदर, इनके बाब्स के अंदर, ठीक है, जो फीडर्स के बाब्स इनके छोटे 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 से एयर पॉकेट्स होंगे वो करेंगे जो भी इनकमिंग लाइट है उसको स्कैटर कर देंगे, मतलब फैला देंगे, ठीक है, स्कैटर करेंगे, जिसके नतीजे में स्पेसिफिक किस्म की नॉन इरिडिसेंट कलर पैदा होता है. इनके अंदर क्या करेंगे, इन कलर्स को फैलाएंगे जिसके मदद से नॉन इरिडिसेंट कलर पैदा होगा. जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लू बर्ड्स हैं उनके अंदर इंडिगो बंटिंग है, इन बर्ड्स के अंदर ये कलर जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा. एन इरिडिसेंट फीदर्स हैं, जो बेस्ट नाउन एग्जाम्पल है वो गॉर्गेट है. गॉर्गेट का मतलब थ्रॉट फीदर, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये थ्रॉट फीदर जो है ये हमिंग बर्ड स्पीशीज के अंदर पाया जाता है. मतलब गॉर्गेट जो है थ्रॉट फीदर्स हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमिंग बर्ड की है. इरिडिसेंट कलर जो होता है गॉर्गेट का वो रिजल्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट वो होती है जो आने वाली होती है, रिफ्रैक्टेड वो होती है जो चले आती है, मतलब सरफेस से टकराने के बाद जो मुड़ती है वो रिफ्रैक्टेड होती है. अब ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट को ये रिफ्रैक्ट कर देता है, उसके नतीजे में ये कलर्स पैदा, इरिडिसेंट कलर्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब इसमें आप ये डायग्राम जो होते हैं इसमें आप ये देखें, आप देख सकते हैं कई स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर फीडर्स के अंदर इरिडिसेंट कलर जो होता है वो पाया जाता है. जैसे पर्पल है, पर्पल गैलिन्यूल है, ट्राई कलर हिरॉन है, इनके अंदर जो होता है ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट अडेप्टेशन इन बर्ड्स स्केलेटन है. जो बोन्स होती हैं बर्ड्स की वो होलो होती हैं. अब होलो होने की वजह क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है. अब रीज़न ये है कि अगर बर्ड्स का की बोन्स अगर हैवी हो जाएंगी तो बर्ड्स फ्लाई कैसे करेगा, बर्ड्स की फ्लाइट में कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, बर्ड्स फ्लाइट नहीं कर सकता, उसकी फ्लाइट मुश्किल हो जाती है. इसलिए जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं नेचर ने उसको होलो रखा होता है, ठीक है. अब जितनी बर्ड्स की बोन्स होलो होंगी उतना फ्लाइट करना आसान हो जाएगा बर्ड्स का. उसकी वजह क्या है, बर्ड्स का वेट कम हो जाएगा, जितना वेट कम होगा उतनी फ्लाइट आसान हो जाएगी. जैसे कि आप ओस्ट्रिच देखते हैं, ओस्ट्रिच भी एक बर्ड है लेकिन ओस्ट्रिच फ्लाइट नहीं कर सकता, उसकी वजह क्या, उसका वेट ज़्यादा है. जितना बर्ड का वेट ज़्यादा होगा उतना फ्लाई करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. अब जो बोन्स हैं बर्ड्स की वो होलो होंगी ताकि उसका लाइट एंड वेट, उसको लाइट एंड वेट बना सके. अब बर्ड्स जैसे कि जो पेनग्विन है ये इनकी ये बर्ड जो है इसका इसके अंदर सॉलिड बोन्स पा जाती हैं. जब सॉलिड बोन्स होंगी इट मीन्स उसका वेट बढ़ जाएगा. सॉलिड बोन्स होने की वजह से वेट बढ़ा है और वो फ्लाई नहीं कर सकता पेनग्विन. इसके अलावा जो होलो बोन्स होती हैं उनके अंदर एयर स्पेसिस होती हैं. होलो बोन्स के अंदर एयर स्पेसिस होंगी. अब एयर स्पेसिस क्या करती हैं, मोर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है. जो बर्ड्स के अंदर होलो बोन्स हैं, होलो बोन्स मोर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर सकें फ्लाइट के दौरान. जब बर्ड्स फ्लाइट कर रहा होता है फ्लाइट के दौरान एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. अब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट बर्ड्स को होती है. अब बर्ड्स जब फ्लाई कर रहा होता है तो फ्लाइट के दौरान उनको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड होती है. वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो उनके अंदर जो एयर स्पेसिस हैं जो कि एयर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. इस
इसके अलावा मोस्टली जो न्यूमरस कुछ कैसी बोन्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज़ होती हैं ताकि बर्ड्स को रिज्ड जो स्केल्टन होता है उसको वो रिज्ड बना सकें। इसके अलावा जो ब्रेस्ट बोन है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं बर्ड्स को, बर्ड्स की मसल्स की अटैचमेंट के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ बर्ड्स वर्टिबल सेक्शन हैं, कुछ आपको यहाँ पे यूनिक फीचर्स दिखाए गए हैं बर्ड्स के अंदर जो आपके उसके स्केल्टन सिस्टम के अंदर आपको नज़र आते हैं यूनिक फीचर्स। उसमें फर्स्टली क्या है कि जो वर्टिबल सेक्शन है बर्ड बैकबोन का वो फ्यूज़ हुआ होता है, उसमें फ्यूज़ होते हैं ताकि वो बर्ड्स को फ्लाइट के दौरान रिजिडिटी प्रोवाइड करें। सेकेंड जो होता है जो बर्ड्स का स्केल होता है उसका साइज बर्ड्स का वो उसकी बाकी स्पीशीज़ की निस्बत वो छोटा होता है। उसके छोटा होने की वजह क्या है, वेट कम होगा और वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। स्केल्टन सिस्टम थर्ड जो होता है वो स्केल्टन सिस्टम जो बर्ड्स का होता है उसके अंदर कई होलो बोन्स होगी, ठीक है। इसके अलावा जो बर्ड्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो नहीं होते। अगर बर्ड्स के अंदर टीथ होंगे ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा और वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो फ्लाइट में उनको हेल्प नहीं मिलेगी। इसलिए जो बर्ड्स के टीथ हैं उनकी और जो बीक होती है वो मोर लाइट इन वेट होती है। और जो बर्ड्स आपस में जो इनकी जो कॉलर बोन है ये अटैच हुई होती है ताकि बर्ड्स को मसल्स के दौरान के ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर सके। इन्हें हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिया गया है बर्ड्स के जो पार्ट्स हैं, रिब्स हैं, फीमर है, फ्लैंजेंस हैं, चीक स्टर्नम है, या कोई यहाँ पे पार्ट्स यहाँ पे डिफरेंट दिए गए हैं। अगर हम मसल्स अडेप्टेशन बर्ड अपेंडिजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग, जब वो बर्ड्स किसी दरख्त के ऊपर टहनियों के ऊपर खड़े होते हैं तो वो अपने इन क्लॉज की मदद से उसको बंद कर लेते हैं। सबको यहाँ पर मोस्ट बर्ड्स होते हैं जिन्हें फिजोलॉजिकल अडेप्टेशन आई है फ्लड के दौरान, जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, अपने मसल्स को क्विकली कंट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अटैचमेंट जो होती है ये अटैचमेंट स्टर्नम के साथ होती है। वैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं बर्ड्स होते हैं, आपको यहाँ पर ये देखेंगे क्लॉज होते हैं, जब वो किसी भी वो टहनी को पकड़ेगा तो इनको इंटरलॉकिंग प्रोसेस होता है। तो इनके जो क्लॉज होते हैं वो इंटरलॉक, जैसे ऑल जो होता है वो काफ़ी देर तक उसको बंद कर वो सो भी सकता है, तो वो इंटरलॉकिंग प्रोसेस होता है। देन फीदर्स फंक्शन, व्हाट टू डू फीदर्स, टू फीदर हर तमाम फीदर जो बर्ड्स बॉडी बर्ड्स होती हैं वो फाइनली ट्यून्ड होती हैं स्ट्रक्चर्स के। इसके अलावा फीदर जो होते हैं वो बर्ड्स को अलाउ करते हैं कि वो फ्लाई कर सके, और इसके अलावा बर्ड्स के जो होते हैं ये बर्ड्स को वार्म अप भी करते हैं, ड्राई इसके अलावा उसको ड्राई भी करते हैं। और यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिया गया है अपवर्ड लिफ्ट का। अपवर्ड लिफ्ट जो विंग्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लिफ्ट, जो विंग्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे लिफ्ट। कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो हम प्रेशर जो होता है वो उनके विंग के ऊपर होता है, ठीक है। ये लिफ्ट है, ये विंग है, विंग के ऊपर जो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो विंग के ऊपर लोअर होता है और विंग के नीचे जो होता है वो हाई प्रेशर होता है। विंग के ऊपर लो प्रेशर होगा, विंग के नीचे हाई प्रेशर होगा, एयर जो होगी वो इस तरफ से इस तरफ को मूव करेगी। ऊपर लो प्रेशर नीचे हाई प्रेशर है तो इससे क्या होगी, बर्ड्स को लिफ्ट मिलेगी, मतलब बर्ड जो होगा वो ऊपर की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। देन स्टॉक्स ऑफ विंग्स हैं, विंग जो होते हैं वो दो तरह की स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टॉक ऐसे कहते हैं हम पावर स्टॉक, सेकेंड उसे बोलते हैं रिकवरी स्टॉक। अब ये आपको यहाँ पे पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक दिखाया गया। पावर स्ट्रोक जो होता है इसमें ये डाउन स्ट्रोक, मतलब नीचे की तरफ जो होगा ये बर्ड्स के जो फीटर्स इनका नीचे की तरफ मूव करना पावर स्ट्रोक कहलाता है। अब ये लीडिंग एज होगा, अब यहाँ पे रिकवरी स्ट्रोक है। अब रिकवरी स्ट्रोक जो होगा अप स्ट्रोक, मतलब अप स्ट्रोक कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक है जो डाउन स्ट्रोक है इसे हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, जो अप स्ट्रोक होता है इसे हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। अब टेल के जो फ्लाइट की जो रोल ऑफ टेल है वो क्या होता है फ्लाइट के दौरान, टेल बैलेंसिंग में हेल्प करता है, स्टीयरिंग में, ब्रेकिंग में। इसके अलावा लिफ्ट इनको इन्हेंस करेगा, मतलब बढ़ा देगा लो स्पीड, जब स्पीड लो फ्लाइट के दौरान स्पीड लो भी होगी तो भी इसको इन्हेंस करेगा, लिफ्ट को इन्हेंस करेगा। इसके अलावा जो टेल होती है वो ब्रेकिंग के ब्रेक के तौर पर भी एक्ट करती है। यहाँ पर कुछ आपको समरी दी गई है इस होल लेक्चर्स की, फीदर्स किस तरह के होते हैं, इसका काम क्या है, फ्लाइट का मतलब अहम करदादा करते हैं, हीट को लॉस करते हैं, लॉस होने से बचाते हैं, और कृषि बिहेवियर में अहम करदार अदा करते हैं। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए गए जूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जूलॉजी। एंड थैंक यू एंड आई लव यू।